इस महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण ये किन्नर अखाड़ा आप देख रहे हैं। किन्नर अखाड़े का दृश्य आप देख रहे हैं अर्धकुंभ प्रयागराज में। किन्नर अखाड़े का धुना आप देख रहे हैं। महाकुंभ में पहली बार किन्नरों को ये प्रवेश मिला है और उसका जोरदार उत्सव मनाया जा रहा है। अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त कर रहे हैं किन्नर यहाँ पर। सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। किन्नर का दिव्य रूप आप देख रहे हैं प्रयागराज में। प्रयागराज का दृश्य आप देख रहे हैं। प्रयागराज के पहली बार किन्नरों को तमाम भक्त आ रहे हैं वो यहाँ पर किन्नरों से आशीर्वाद करते हैं। प्रयागराज का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर अर्ध कुंभ में पहली बार किन्नर समाज को यहाँ पर प्रवेश मिला है और पूरा कुंभ क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र है। खूब भक्त आ रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं किन्नर को प्रत्येक समाज बड़ी आदर से देखता है और इनका आशीर्वाद अघोर अमोघ माना जाता है। कितना अच्छा लग रहा है आपको प्रयाग में प्रवेश मिला है पहली बार? सबसे पहले प्रयागराजवासी को मैं धन्यवाद दूंगी और आज इतना बड़ा कुंभ का मेला है और बड़ा सौभाग्य की बात है। यहाँ पे करोड़ की पब्लिक है, हम लोग आशीर्वाद दे रहे, हम लोग भी बहुत खुश हो रहे हैं। हम लोग चुनाव अखाड़े में जुड़े हैं और हमारी ये समाज हमारी किन्नर अखाड़ा पहला ये इलाहाबाद में अभी शुरू है, हम जाएंगे अगले दिन में और हमारे नाम दर्शन और ये किन्नर अखाड़े की वजह से हमारे समाज के लिए बहुत कुछ चेंजेस आ जाएगी। कितने वर्षों से प्रयास चल रहा था कि आपको प्रवेश मिले? हम तो बहुत कई बार 10 साल से हम जो ये कर रहे थे अभी हो गया हमारे काम, हम सफल हो गए, इसलिए धन्यवाद। बिल्कुल। और अब आगे कुंभ आएगा तो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे आपके? कुंभ आगे तो आगे तो उससे अच्छा भी करेंगे, हम तो सोशल से ज़्यादा करके और समाज को सोशल को बता। लोगों का कितना आदर सम्मान मिल रहा है आपको? हम लोग को लोग का बहुत प्यार आदर मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये प्रयागराजवासी को हम लोग प्रणाम धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम। संत समाज क्या कह रहे हैं आपके बारे में? हमारे लिए तो समाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज इस सोसाइटी के लिए बहुत चेंजेस आ जाएगा ये किन्नर अखाड़े की वजह से। किन्नर अखाड़े के कार्यक्रम का प्रवेश द्वार है। प्रयाग
प्रयागराज कुंभ के किन्नर अखाड़े का दृश्य आप देख रहे हैं। प्रयागराज का किन्नर अखाड़ा आप देख रहे हैं, पहली बार किन्नरों को इजाजत मिली है। किन्नर को अर्धनारीश्वर रूप में देखा जाता है और ऊपर आप देख रहे हैं भगवान शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप। प्रयागराज का किन्नर अखाड़ा आप देख रहे हैं अर्ध कुंभ में। किन्नर समाज के लिए बहुत बड़ा यह अवसर है, ये कुंभ पहली बार किन्नर समाज को कुंभ में आने की इजाजत मिली, अखाड़ा लगाने की इजाजत मिली। आपका क्या नाम है? जयश्री शर्मा नाम है। आपको कैसा लग रहा है, आपको कुंभ में प्रवेश मिला? जी हमें बहुत खुशी है कि हमें 2016 से प्रयागराज उज्जैन अखाड़े से हमारी स्थापना हुई है जी। और अब यहाँ पे प्रयागराज में दूसरी बार हमारा अखाड़ा लगा है जी। अब हर बार हमारे अखाड़े की स्थापना, जहाँ भी कुंभ का मेला होगा हम धर्म और संस्कृति से जुड़ के चलते हैं। उज्जैन में मिला था आपको इजाजत? हाँ जी, उज्जैन में भी मिला था। शिवराज जी चौहान ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था जी। इस बार योगी जी ने भी यहाँ ठीक किया है इंतजाम, लेकिन शिवराज जी ने वहाँ पे बहुत इससे अच्छा इंतजाम किया। लोगों का कितना सम्मान मिल रहा है? बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला, हम बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते। और संत साधु संतों का? साधु संतों का बहुत सपोर्ट मिला, सभी ने हमें बहुत सम्मान दिया। आप कहाँ से आए? मैं हूँ जयपुर से। जी जी, आपका क्या नाम है? जी भाग्यश्री। आप कहाँ से आए? जयपुर से। मेरे गुरु हैं। अच्छा, आपके गुरु हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, सबका बहुत प्यार मिल रहा है हमको। हर बात से यही उम्मीद रहे कि हर साल हर बार जब भी कुंभ भराए हमें इसी प्रकार जनता का प्यार मिलता रहे। आप सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ इस अखाड़े में लगातार नजर आ रही है। अभी भी रात्रि में आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं और खूब लोग नजर आ रहे हैं।